हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बैंक ऑफ बड़ौदा के जो कि रिसेंटली पोस्ट जो कि हुआ है, जिसका पोस्ट है यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है, और इसके साथ साथ इसका पोस्ट जो नेम है यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ऑफिसर इन बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के फॉर्म जो स्टार्टिंग हो जाएगा 5 दिसंबर 2018 और लास्ट डेट इसका रहेगा 26 दिसंबर 2018। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन में जाके अप्लाई करने के लिए जिसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ पोस्ट जो है यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट जो पोस्ट है यहाँ पे लीगल, और इसके साथ साथ वैकेंसी जो है 20 और मिनिमम एज जो कि है 28 और मैक्सिमम जो है 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए आपको, यहाँ पे बैचलर डिग्री इन लॉ, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट जो है लीगल वैकेंसी जो है 40 और मिनिमम एज जो है यहाँ पे 25 ईयर्स टू 32 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते। इसका भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि आपको सेम ही रहेगा, बैचलर डिग्री इन लॉ। उसके बाद है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस सेल्स, जिसके लिए यहाँ पे वैकेंसी जो निकला हुआ है 150 और मिनिमम जो कि क्वालिफिकेशन है 25 टू मैक्सिमम है 35 ईयर्स तक, 2 ईयर्स के MBA पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसका जो सेकंड पोस्ट फोर्थ पोस्ट है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस सेल्स, जिसके लिए आपको 70 सीट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम एज जो है 21 टू मैक्सिमम जो एज है 30 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ग्रेजुएशन पास होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो कि यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस ऑपरेशन, जिसके लिए मिनिमम एज है 25, मैक्सिमम जो है 35 और 2 ईयर्स के MBA और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ लास्ट जो पोस्ट है यहाँ पे आपको वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस ऑपरेशन, जिसके लिए आपको 2 वैकेंसी है और मिनिमम एज लिमिट जो है 21 टू 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया 22 ईयर्स MBA इन इक्विपमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा और स्पेशलाइज इन मार्केटिंग सेल्स रिटेल फाइनेंस इंस्टीट्यूट शुड बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बॉडीज। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 6 जो कि यहाँ पोस्ट निकला हुआ है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि टोटल जो कि पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है वो कितना है। तो दोस्तों, यहाँ पे टोटल जो पोस्ट निकला हुआ है 702 फॉर JMG एंड MMG के लिए 191 एंड MMG के लिए 20। इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि सैलरी आपको कितना रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सैलरी रहेगा JMG के लिए आपको 23,700 रुपीज़, MMG के लिए 31,705 रुपीज़ एंड MMG के लिए 42,020 रुपीज़। इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको नेशनलिटी जो कि आपको इंडियन होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्शन की बात करें तो यहाँ पे सिविल कास्ट एंड सिविल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स के एज रिलैक्शन, अदर बैकवर्ड क्लास जो कि OBC वालों के लिए 3 ईयर्स एंड फिजिकली हैंडीकैप के लिए 10 ईयर्स के आपको एज रिलैक्शन मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे एक सर्विसमैन पर्सनल ऑर्डिनरी एंड डोमिक क्लाइंट एंड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1/1/1982-31 December 1989 और पर्सन अफेक्टेड बाय द 1984 रियर्स, जिसके लिए यहाँ पे 5 ईयर्स के आपको एज रिलैक्शन मिल जाएगा। इसके साथ साथ और क्या डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है उसको भी मैं एक बार चेक करके आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑनलाइन में जो कि टेस्ट होगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो आपको ऑनलाइन में एक टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू के थ्रू आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा, जिसके लिए सिलेबस आपको रहेगा फर्स्ट रीजनिंग टोटल जो कि 200 मार्क्स के यहाँ पे आपको एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए आपको रीजनिंग के लिए 50 मार्क्स के आपको यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 50 एंड क्वांटिटेटिव के लिए एप्टीट्यूड के लिए आपको आपको 50 एंड पर्सनल नॉलेज के लिए 75। तो टोटल 200 जो कि क्वेश्चन यहाँ पे होगा एंड 200 मार्क्स से यहाँ पे आपको जो कि नंबर आपको मैक्सिमम मार्क्स जो यहाँ पे 200 होगा।
और इसके टाइम रहेगा 2 आवर्स। इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ और क्या क्या डिटेल यहाँ पे दिया है। ऑनलाइन में जाके इसको अप्लाई करने के लिए इसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते। इसके अलावा मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फ़ीस कितना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो है 600 रुपीज़ रहेगा फॉर जनरल OBC वालों और SC/ST PWD के लिए 100 रुपीज़ आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था बैंक ऑफ बड़ौदा की जो कि रिसेंटली पोस्ट जो हुआ है उसका डिटेल। अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एप्लीकेशन करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको जवाब जल्द से जल्द दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड।